ट्रू एंड एपरेंट एंगल ऑफ डिप। ये ट्रू एंड एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या चीज़ है? देखो सपोज करो ये एक मेरिडियन है, कौन सा? मैग्नेटिक है। आप ज्योग्राफी को तो छोड़ ही दो, ज्योग्राफी पे करनी नहीं है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही थी। ये एक्चुअल मेरिडियन है मेरा, ठीक है, जिसमें डायग्राम बना था वो वी वेक्टर एच वेक्टर सब बना हुआ है इसमें। एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर एक और मेरिडियन ले लो। मैंने कहा ये कौन सा मेरिडियन है भाई? कहता कुछ भी, मेरे कुछ भी इमेजिन कर लो, एक और मेरिडियन है, ये रहा वो मेरिडियन। मैंने कहा नाम क्या है? कहता कुछ भी रख दो, नकली मेरिडियन है, असली तो आपके पास ही है मैग्नेटिक, ये मान लो नकली मैग्नेटिक मेरिडियन है, मेरे मन का इमेजिनरी मेरिडियन है। मैंने कहा नाम क्या रखें? कहता एपरेंट रख दो। तो क्या नाम हुआ? एपरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन। कहता कुछ भी इमेजिनरी उसने कर लिया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो दो मेरिडियन ले लिए, एक तो एक्चुअल है, एक तो एक्चुअल है जो मैंने बना के दिखाया आपको, बी वेक्टर, एच वेक्टर, वी वेक्टर, और एक कुछ भी इमेजिनरी ले लिया जिसका नाम है एपरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैंने कहा ये क्यों? वो कहता है देखो आपका तो केस सॉल्व हो गया कि आपका अगर मान लो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जा रही है, उसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ डिप भी बनेगा। आप ये बताओ कि अगर मान लो ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है जो इमेजिनरी है, इसके अंदर एंगल ऑफ डिप क्या बनेगा? मेरे मैग्नेटिक मेरिडियन में जो अपेरेंट है, इसमें एंगल ऑफ डिप क्या बनेगा ये बताओ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो और मैंने पूछा कि ये जो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो अपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन है, इनके बीच में एंगल क्या है? वो बोला एंगल इनके बीच में सपोज अल्फा है। तो यानी कि दो मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक एक्चुअल है ट्रू एंगल ऑफ ट्रू मेरिडियन है और एक अपेरेंट है, और दोनों के बीच में एंगल क्या ले लिया, इमेजिन कर लिया अल्फा। देखो इसका डेक्लिनेशन से लेना देना नहीं है, ज्योग्राफिक मेरिडियन भूल जाओ। तो ये दोनों के दोनों कौन से मेरिडियन है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्लियर है यहां तक? तो उसने कहा कि जो पीछे वाला मेरिडियन है अपेरेंट, उसमें एंगल ऑफ डिप बताओ क्या बनेगा। देखो फिर मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि मेरा जो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितने बी वेक्टर है, एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल के साथ इसमें कितना डेल्टा है। बी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, क्या कंपोनेंट होगा? पहला कंपोनेंट होगा एच और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वी। सही है। अब क्योंकि दोनों मेरिडियंस का ये वाला हिस्सा कॉमन है, पीछे वाला ये वाला हिस्सा कॉमन है, तो मैंने कहा एक काम कर, तो जो तेरा एपरेंट मेरिडियन है ना उसमें वर्टिकल कंपोनेंट मेरा और तेरा सेम होगा, ट्रू में और एपरेंट में सेम होगा। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग पॉइंट उनका जो कॉमन पॉइंट है वो वी है। क्लियर है यहां तक? तो उस पीछे वाले मेरिडियन में वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिया जाएगा? जो ट्रू का, ट्रू का कितना है? वी। तो पीछे वाले का भी कितना है? वी। कोई डाउट इसमें? अब पीछे वाले मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? मेरे मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? एच। इन दोनों मेरिडियन में एंगल क्या था? अल्फा। तो मैंने अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक और कंपोनेंट ले लिया एच कॉस अल्फा, वो उस मेरिडियन पे डाल दिया, बिकॉज एच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, अपने मेरिडियन से वी इसको दे दिया, अपने मेरिडियन का एच का कंपोनेंट इसको दे दिया एच कॉस अल्फा। तो मेरा नया डायग्राम ये बन गया, एपरेंट मेरिडियन में क्या बन गया? वी मेरा यूज हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच की जगह क्या यूज हो गया? एच कॉस अल्फा यूज हो गया। तो क्या किया, ये मेरा मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन है और ये एपरेंट है। ट्रू में वी और एच क्लियर है, पीछे वाले मेरिडियन में वी मेरा और पीछे वाले मेरिडियन का सेम होगा, और पीछे वाले मेरिडियन में एच का कॉम्पोनेंट होगा एच कॉस अल्फा, ये रहा। तो पीछे वाला जो एपरेंट मेरिडियन है उसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, तो वी आ गया और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एच कॉस अल्फा आ गया। ठीक, एच कॉस अल्फा आ गया। तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई बी डैश, बी डैश। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड न्यू मेरिडियन में चेंज हो जाएगा बी डैश, और ये एंगल कितना है? एंगल ऑफ डिप डेल्टा डैश, एंगल ऑफ डिप भी चेंज होगा। तो नया जो एपरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें एंगल ऑफ डिप क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट वी अपॉन एच, नहीं एच कॉस अल्फा। ये देखो, तो एपरेंट जो पुराना मेरिडियन था, मेरे वाला मेरिडियन था, उसमें टेन डेल्टा क्या था? वी बाई एच। और जो न्यू मेरिडियन है उसमें टेन डेल्टा डैश क्या होगा? वी अपॉन एच कॉस अल्फा। तो वी अपॉन एच कॉस अल्फा, लेकिन वी बाई एच क्या है इसमें? टेन अल्फा। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, टेन ऑफ डेल्टा डैश इज टेन डेल्टा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा। डेल्टा डैश का मतलब है नया एंगल ऑफ डिप, किसमें? एपरेंट मेरिडियन में। डेल्टा का मतलब एंगल ऑफ डिप किसमें? ट्रू मेरिडियन में। और अल्फा का मतलब दोनों मेरिडियंस के बीच में एंगल। तो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको कहेगा दो मेरिडियंस हैं,
उसमें एक्चुअल एंगल ऑफ डिप वो आपको दे देगा, दोनों मीडियन में एंगल दे देगा, आपसे न्यू एंगल ऑफ डिप पूछेगा, टेन ऑफ डेल्टा डैश आ जाएगा, राइट right, क्लियर है। अब मुझे पता है कि अगर दोनों मीडियन में एल्फा 0 और 90 के बीच में है तो ये फ्रैक्शन आएगा, तो डेल्टा डैश क्या आएगा, डेल्टा से बड़ा आएगा। मैथ्स है कि 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू 1 से कम ही आएगी तो टेन ऑफ डेल्टा डैश ग्रेटर देन डेल्टा आएगा। और अगर एल्फा 90 हो गया, दोनों मीडियन 90 डिग्री पे ले लिए, कॉस 90 0, डिनोमिनेटर 0 नॉट डिफाइंड, तो डेल्टा डैश क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केस में नीडल जो है, जो मैग्नेटिक नीडल है, जब अल्फा 90 होता है, एंगल ऑफ डिप 90 होता है, बिल्कुल ऐसे होने की, बिल्कुल ऐसे लटक जाती है, नीचे हो जाती है। नीचे होने का मतलब है कि एंगल क्या हो गया 90, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या हो गया 90, बिल्कुल नीचे नीचे वर्टिकल हो जाती है, राइट। अब इसमें एक और रिजल्ट है जो इसका प्रूफ भी है, लेकिन चलो हमने प्रूफ करना नहीं है, वो क्या कि अगर सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, आप यहां पे खड़े हुए हैं, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर किया हुआ है, ग्रेविटेशन में अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं इक्वेटर के साथ, इस एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड का एंगल, याद है ग्रेविटेशन में यूज करते थे लैटिट्यूड का एंगल। तो लैटिट्यूड का एंगल क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ पी पॉइंट का जो एंगल है वो लैटिट्यूड का एंगल है। अब मान लो पी पॉइंट पर लैटिट्यूड कितना है लैम्डा, और पी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप अगर मैं बनाऊं तो वो है डेल्टा, तो क्या रिलेशन है एंगल ऑफ डिप का और लैटिट्यूड का, टेन ऑफ डेल्टा इज टू टाइम्स टेन ऑफ लैम्डा। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, सीधा मार्क कर देना, वैसे इसका प्रूफ किसी ना किसी किताब में मिलेगा, करने की जरूरत नहीं है, लंबा प्रूफ है, पर हाँ अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बस ये रिलेशन मोर देन सफिशियंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?